जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक और नया विषय लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विषय है गणेश जी के, भगवान श्री गणेश जी के 12 नाम। ये वो नाम हैं यदि इनको सुबह उठते के साथ ही स्मरण कर लिया जाए, चाहे आप लेटे लेटे ही इनका स्मरण करते हो। 12 नाम हैं, शीघ्र याद हो जाते हैं, तो आप इनको अगर यदि लेटे लेटे भी याद करते हो, स्मरण कर लेते हो, तो भी आपका दिन जो है इतना अच्छा जाएगा। जो भी परिवार में विघ्न आ जाते हैं, या आपका काम रुक जाता है, या आप किसी को बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस फील्ड में हैं, मार्केटिंग फील्ड में हैं, यदि आप उसको मोहित करना चाहते हैं, अर्थात वो आपकी बात सुने, आप अपनी बात रख पाएँ, तो इसके लिए आप इन नामों का स्मरण कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी नाम है ये, और इनका नाम लेने से आपके जो कहते हैं कि बुरे ग्रहों की दशा चल रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, काम धंधे में पैसा नहीं टिक रहा है, लोग मेरी बातें ही नहीं सुनते, तो आप इन नाम को स्मरण कीजिए। तो सब जितने भी विघ्न हैं वो सब दूर हो जाएंगे और मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें विघ्न नहीं आएंगे, और गणेश जी सुबह पहले उनका स्मरण कर लिया जाए तो ज्ञान के देवता हैं, वो ज्ञान में वृद्धि कर देंगे। विघ्न तो ऐसे भाग जाएंगे जैसे पूछो ही मत, कभी थे भी। तो आप इन नामों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, खुद भी स्मरण करें और चमत्कार देखें। बुद्ध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, बुद्ध आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो आप इन नामों का स्मरण कीजिए और खुद ही आप इन नामों का आप चमत्कार देखेंगे। बहुत ही लाजवाब नाम है ये। 12 नाम जो हैं ये पद्म पुराण से लिए गए हैं, अर्थात ऋषि ने पूछा था कि भगवान दिन की शुरुआत किससे करें, कैसे करें, तो प्रातः उन्होंने इन्हीं नामों का स्मरण किया था, इन्हीं नामों का वर्णन किया था। वो नाम इस प्रकार हैं: गणपति ही, विघ्नराजो, लंबतुंडो, गजानन है, द्वयमातुरश, हेरम्ब, एकदंतो, गणाधिपः, विनायकश, चारुकर्णो, पशुपालो, भवात्मज है। एक बार और बोल देता हूँ: गणपति ही, विघ्नराजो, लंबतुंडो, गजानन है, द्वयमातुरश, हेरम्ब, एकदंतो, गणाधिपः, विनायकश, चारुकर्णो, पशुपालो, भवात्मज है। तो देवियों, सज्जनों, जो भी हो, आप इन नामों का स्मरण कीजिए और लाभ देखिए, एकदम चमत्कार हो जाएगा। इन नामों से आपकी जो स्मरण शक्ति है वो एकदम तीव्र हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई में बच्चे को मन नहीं लग रहा हो तो बच्चों को दीजिए आप, चमत्कार हो जाएगा। इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ। जय